hello students hope you all are doing great so we were read, we were reading the chapter and great officers and a gentleman let's continue that throughout his 18 years as an officer in the indian army colonel vasant stood by his belief and instilled his values in the main he commanded colonel vasant एक इंडियन आर्मी में एटीन ईयर के ऑफिसर की पोजीशन पर कर्नल बसंत अपने ट्रुप के मेंबर्स के साथ विश्वास के साथ खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी वैल्यूज अपने ट्रुप के मेंबर्स के अंदर कूट कूट के भर दी थी इन अक्टूबर 2006 ही वाज अपॉइंटेड एज द कमांडिंग ऑफिसर सीईओ ऑफिस रेजिमेंट नाइन मराठा लाइट इन्फेंट्री और 2006 में उनको अपॉइंट किया गया एज अ कमांडिंग ऑफिसर में और उनकी रेजिमेंट का नाम था नाइन्थ मराठा लाइट इन्फेंट्री द बटालियन वॉज पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर और उनकी बटालियन की पोस्टिंग थी जम्मू एंड कश्मीर में हिज मैन क्विकली केम टू लुक अपॉन हिम एंड एज अ फेयर माइंडेड ऑफिसर नेवर वन टू लूज़ हिज टैंपर इनफैक्ट द एग्रियड ही गॉट द क्वाइटर हिज वॉइस आपको पता है जो कर्नल वसंत थे वो बहुत ही फेयर माइंडेड ऑफिसर थे वो कभी अपना टैम्पर लूज़ नहीं करते थे इनफैक्ट जब उन्हें गुस्सा आता था तब तो वो उनकी आवाज़ और धीरे हो जाती थी क्वाइट सरप्राइजिंगली दिस हैड अ ग्रेटर डिसिप्लिनरी इफेक्ट ऑन हिज मैन दैन एनी अमाउंट ऑफ शॉटिंग माइट हैड और इन सब चीज़ों का उनके जो ट्रुप मेंबर्स थे उन पर बहुत असर पड़ा और वो उनकी पूरी अनुशासन चीज अनुशासनता को सीख गए ओके इट आल्सो ऑन हिम देयर अन ट्रस्ट और उसके बाद उन्होंने अपने ही ऑफिसर पे बिना क्वेश्चन के ट्रस्ट करना भी शुरू कर दिया द सी ओ ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड कैम ऑन ऑन अ समर नाइट इन अर्ली टू थाउजेंड सेवन वन हिज ट्रुप एव एमेटेड हि वैल्यूज और इस कमांडेंट ऑफिसर को एक ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मिला टू थाउजेंड सेवन में जब उनके ग्रुप के वैल्यू ट्रुप के वैल्यू जो मेम्बर्स थे उन्होंने उसकी वैल्यू को एग्री कर लिया था एट द टाइम टेंशन वर रनिंग हाई उस समय टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था मिलीटेंट्स वर क्रॉसिंग द बॉर्डर रेगुलरली और मिलीटेंट्स जो थे बॉर्डर को रेगुलर क्रॉस करते चले जा रहे थे रिसेंट गन बैटल हैड लेफ्ट शोल्जर डेड और अचानक एक गन बैटल हुई थी उसमें एक शोल्जर की डेथ भी हो गई थी द इंचन सोल्जर फाउंड अ मैन हाइडिंग इन द थ फॉलेज फॉलेज मीन्स होता है जो पेड़ रहते हैं उनकी पत्तियों के पीछे मतलब एक थिक फॉलियस था पेड़ों का घना हुआ पत्तियों का एक एरिया था उसके पीछे एक आदमी छुपा हुआ था दे डिड नॉट सेट देयर गन्स ब्लेजिंग बट आस्क फॉर हिज आइडेंटिटी एंड टुक एंड देन टुक हिम इन टू कस्टडी लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर गोलियां नहीं बरसाई गन फाइटिंग नहीं करी उन्होंने उसको अरेस्ट किया और अपनी कस्टडी में ले लिया और उसकी आइडेंटिटी को पूछा दे फाउंड दैट ही वॉज एन एक्स मिलिटेंट हु वॉन्टिड टू सरेंडर एज ही वॉज मिसिंग हिस्स फैमिली उन्होंने पाया कि अरे ये तो एक्स मिलीटेंट है और उस वो सरेंडर करना चाहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था दिस ह्यूमन्स कंडक्ट बाई बाई हिज ट्रुप वॉज एप्रिशिएटेड बाई द कर्नल और इस मानवता के लिए ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर के लिए उनके ट्रुप के मेम्बर को कर्नल वसंत ने अप्रिशिएट भी किया here is a picture in other page 49 page number you have to look these pictures and uh, read it very carefully इन सच डिफ़िकल्ट टाइम्स कर्नल वसंत डिट एवरी थिंग टू अपलोड द टीम मॉरल कर्नल वसंत ने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी टीम का मॉरल बढ़ा के रखा आफ्टर अनदर सक्सेसफुल ऑपरेशन ही रॉट इन प्लेस ऑफ दिस मैन जब हम जब कर्नल वसंत को किसी दूसरे ऑपरेशन में सक्सेस uh, मिली तो उन्होंने अपने ट्रुप के मेम्बर्स के लिए कुछ प्रशंसा में कुछ शब्द लिखे विद माई ऑन आइज़ आई साबल करेज उन्होंने बताया कि मैंने अपने ट्रुप के मेंबर्स का जो इनडोमिटेबल करेज है मतलब कैन नॉट बी डिफिटेड कभी ना हारने वाला करेज एग्रेसिव स्प्रिट ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्रुप के मेंबर्स में देखी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इसका मैं पार्ट हूँ ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई हेज ट्रुप सराउंडेड टेररिस्ट इन अ फॉरेस्ट और थर्टी फर्स्ट जुलाई को टेररिस्ट लोगों ने फॉरेस्ट में इनके ट्रुप मेंबर्स को घेर लिया ब्लॉकिंग देयर स्केप रूट इन द उरी सेक्टर इन कश्मीर और ये सारी घटना उरी सेक्टर कश्मीर में हुई और इनके सारे रास्तों को टेररिस्ट ने बंद कर दिया अगेन द डेयरिंग ऑफिसर लीड फ्राम द फ्रंट एंड हेल्प गन डाउन द टेरिस्ट उसके बाद फिर से इस डेरिंग ऑफिसर ने सारे टेररिस्ट की गन को डाउन करवाने पर मजबूर कर दिया उनकी गन नीचे रखवा दी ट्रेजिकली ही वॉज़ हिट बाय अ बुलेट एंड ही पास्ड अवे एट द हॉस्पिटल और ट्रेजिकली उनको एक बुलेट लग गई जिसके वजह से उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई ही एंड श्योर दैट

जो जनरल जे जे सिंह थे उन्होंने बोला कर्नल वसंत के लिए कि कर्नल वसंत एक बहुत ही सच्चे शोल्जर थे और उन्होंने अपनी जान को हमारे देश पर निछावर कर दिया इन ऑनर ऑफ हिज सेक्रीफाइज द नेशन अवार्ड अवार्डेड हिम द अशोक चक्र द हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड ग्रांटेड ड्यूरिंग पीस टाइम और उनके इस सेक्रीफाइस के सम्मान के लिए उसे अशोक उन्होंने उन्होंने उन्हें अशोक चक्र अवार्ड दिया गया जो कि हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है कर्नल वसंत वॉज वस क्रीमेटेड विद फुल मिलिट्री ऑनर ऑन फर्स्ट अगस्त 2007 इन बेंगलुरु व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रीमेटेड क्रीमेटेड मीन इज़ टू बर्न द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन ठीक है कर्नल बसंत का अंतिम संस्कार पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ फर्स्ट अगस्त 2007 बेंगलुरु को हुआ बेंगलुरु में हुआ सो आई होप Uh, you all are understand my explanation part. So, uh, thank you very much. You watch this video again and again and try to understand what expression I am doing here. So, thank you very much. Bye, student.